ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। मार्केट में क्या टॉप बन गया है या शार्प सेलिंग का टाइम आने वाला है, एक चीज। दूसरा क्या है, ये जो लास्ट मूव आया था इसका क्या करना है वो देखना है। और अब क्या, हाँ, आगे के मंडे के लिए अपने लोग प्लान कर सकते हैं। अगर यहाँ पे कॉल लेके कोई गया या पुट लेके गया तो उसका क्या होने वाला है वो देखने को डेटा पे चल के देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों ने देखा था कि डेटा बुलिश था, मार्केट आपका ऊपर खुलने के चांसेस दिखा रहा था, इस पर हम लोगों ने जो ऑप्शन चेन देखी थी। उसके बाद हम लोगों ने एक चीज़ और देखी थी कि हम लोग एग्रेसिवली बुल नहीं होंगे, ऊपर जाके बाय करेंगे भी तो बहुत एग्रेसिवली नहीं, प्रॉफिट बुक करते हुए चलेंगे, ठीक है। फिर निफ्टी हमारे पास प्रीवियसली स्विंग ट्रेड में पड़ी थी तो उसका प्रॉफिट हमने खुल के बुक कर लिया था। उसके बाद आप समझना क्या हुआ, मजेदार किस्सा। दोनों शॉर्ट किया था हमने और दोनों में से निकल गए थे। बैंक निफ्टी ने यहाँ पे, ये एक लेवल था, ठीक है, इसके आसपास रिएक्शन दिखाया इसने, हमने क्या करा यहाँ पे शॉर्ट किया निफ्टी को भी और बैंक निफ्टी को भी, दोनों में ही सही हम निकल गए। क्यों? बिकॉज ये यहाँ से सपोर्ट ले रही थी। अच्छा, ऑप्शन चेन या आप डेटा, आप सेटअप का डेटा देखोगे तो बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं था, तो आपको क्या आ रहा था, मतलब बुलिश भी डेटा नहीं है और आपका यहाँ पे फ्रेश बाय तो नहीं करना था, ठीक है, बाइंग की साइड आज हम लोग गए ही नहीं। क्यों नहीं गए, रीजन क्या था कि सिंपल आपका डेटा पावर नहीं कर रहा था, ऊपर एक रेजिस्टेंस थी, अगर रेजिस्टेंस तोड़ता या नहीं तोड़ रहा था तो फिर नीचे के लेवल पे बाय करने का सोचते, ऊपर पे नहीं फंसते, ठीक। यहाँ पे जब सपोर्ट देने लगा तो हमने अपने शॉर्ट ट्रेड को एग्जिट कर दिया। उसके बाद जब यहाँ तक गया, इस दौरान हम लोग लाइव मार्केट में थे, यहाँ पे भी बाय नहीं किया था, समझाया था मैंने लाइव मार्केट में भी क्यों नहीं किया था। उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ से आपको एक पुल बैक दिया एंड देन आपका मार्केट नीचे आया, ठीक है। जब भी मार्केट ऐसे नीचे आता है, ध्यान से समझना, उसके बाद एक पुल बैक देता है, ठीक है, पुल बैक दिया। ये पुल बैक में दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो ये आपका नीचे वापस से कंटिन्यूशन होगा या फिर आपका ये ऊपर निकल जाएगा, आपका वी शेप आएगा, ठीक है, अगर आप बाइंग की साइड जा रहे हो। नहीं तो मैं इसमें बेस्ट केस सिनेरियो पता क्या रहता है, मार्केट नीचे है, ऊपर जाए, यहाँ पे इसने डबल टॉप बनाया एंड देन इस तरीके से आपका रिवर्सल आए, तब प्लान करो, नहीं तो वी शेप को आप प्लान, इस ट्रेड को मैं प्लान ही नहीं करता हूँ। क्यों नहीं करता हूँ, बिकॉज 10 में से 9 बार नहीं आता, ये एक बार आता है, अगर आ जाएगा तो बात अच्छी अलग होती है, कोई बात नहीं उस केस में, ठीक है। अभी के लिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है। पहले वनडे का चार्ट देखते हैं और वनडे के चार्ट पे आपका इंपॉर्टेंट कुछ लेवल्स आ रहे हैं, ठीक है। ये आ गया आपका वनडे का, ठीक। मार्केट ने क्या किया था, यहाँ से एक ब्रेकआउट दिया था, और ये ब्रेकआउट हम लोगों ने इससे पहले भी एक चीज़ देखी थी कि मार्केट को अगर एग्रेसिव सेल करना होता है तो एक पुल बैक देना जरूरी होता है, ठीक है। मतलब अगर ये वाली मैं आपको बताता हूँ सिचुएशन क्या थी पहले, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस वाले में हम लोगों ने एग्रेसिव सेल नहीं कर पाए थे बिकॉज पुल बैक के बिना ही चला गया था ये, ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने एग्रेसिव सेल किया था यहाँ पे इस जगह पे, ठीक है, ये यहाँ से टूटा था तो ये आपका एक, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक पुल बैक दिया था, सेम चीज़ अब इसने पुल बैक दे दिया। तो अभी अगर आप नेक लाइन देखोगे तो मालूम क्या रही है, 48,000 47,800 की, यहाँ से यहाँ तक आप एक चैनल देख रहे हो, मार्केट नीचे आया, पुल बैक दिया। अब अगर ये वाला लेवल टूटेगा तो फिर आपका एग्रेसिव सेलिंग के पॉइंट्स होंगे टुवर्ड्स यहाँ तक के लिए, आपको लेवल के लिए बड़ा बड़ा देखने को मिल सकता है, टारगेट उस केस में आपके बड़े को प्लान करेंगे। ये तो वनडे का चार्ट हो गया, अभी आते हैं मंडे पे क्या एनालिसिस करना है, कहाँ खुलेगा कहाँ नहीं खुलेगा वो अभी हम लोग ऑप्शन चेन पे चल के देखेंगे, ठीक है। अभी मैं बात करता हूँ तो लास्ट में इसने थोड़ा सा सरप्राइज कर दिया इस वाले मूव ने, ठीक है। अगेन रेजिस्टेंस के एरिया पे आप फ्रेश बाय कर रहे हो, अगर इस वाले पे आप बाय कर रहे हो तो फिर ये आपकी मिस्टेक है। क्यों? बिकॉज आप फोमो में आके बाय कर रहे हो, फोमो एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, फियर ऑफ मिसिंग आउट की, राइट, तो वो आप यहाँ पे बाय करना नहीं बनता है। अब अगर कल तीन केस होने वाले हैं, पहले वही करेंगे, सेम चार्ट्स पे देखेंगे कि कहाँ पे खुल रहा है कहाँ पे नहीं खुल रहा है, उसके बाद अपने लोग इस पे देखेंगे ऑप्शन चेन पे। एक चीज़ हमेशा याद रखना, ग्लोबल मार्केट आपको कुछ भी कहे, अगर आपके पास ओवरनाइट पोजीशंस नहीं है तो याद रखना कि आपको तीनों चीज केस ना पहले से प्रिपेयर होने चाहिए। अगर गैप अप खुलेगा तो मैं क्या करूंगा, गैप डाउन खुलेगा तो मैं क्या करूंगा, अगर साइडवेज खुलेगा तो मैं क्या करूंगा, तो वही सेम चीज़ हम लोग चार्ट पे एनालाइज करते हैं कि तीनों केस में क्या होगा, फिर ऑप्शन चेन पे चल के देखते हैं कि खुलना कहाँ पे चांसेस हैं, जैसे कि कल हम लोगों ने भी देखा था, ठीक है। एनीवेज, तो ये आपका साइडवेज खुलेगा, साइडवेज खुलने के बाद ये आपका एक रेजिस्टेंस एरिया है, ठीक है। तो अभी मैं इस एरिया में बाय के बारे में नहीं सोचूंगा, अगर ये वापस से 400 को क्रॉस करेगा तभी के बारे में बाय सोचेंगे। वेयर इज, अगर साइडवेज खुलने के बाद ये लेवल वापस से टूटता है तो अपने को टारगेट मिल जाएंगे टुवर्ड्स दिस एंड दिस के लिए, ये हो गया साइडवेज केस। सेकेंड केस क्या होगा आपका, गैप का केस, गैप का केस होगा, फिर अगेन आपकी एक रेजिस्टेंस पॉइंट मिल रहा है आपको, तो ध्यान से रखना अगर बाय भी जाना, ओपनिंग रेंज भी लगानी, तो कॉशियसली बाय करना, जो हम लोगों ने लास्ट टाइम भी देखा था, प्रॉफिट बुक करते हुए चलना अगर मिल आ रहा है स्टार्टिंग में ओपनिंग में, ठीक है। अगर मार्केट आपका गैप डाउन खुलता है तो क्या, गैप डाउन खुलता है तो ये सारा आपका एक अच्छे से रेजिस्टेंस हो जाएगा फॉर द वीक। कौन सा रेजिस्टेंस दिया जाएगा, वो आपका 48,180 से लेके 48,200, अगर ये इसके नीचे खुलता है तो, ठीक है। नीचे कहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल्स आ रहे हैं वो भी मार्क करके चलते हैं। अगर
यहाँ पे जहाँ से ये फ्रेश ब्रेकआउट आया था, यानी कितना है 47,800, राइट। तो 47,800 के नीचे अगर मार्केट क्लोज देता है बैंक निफ्टी, तब आपका एग्रेसिव सेलिंग आ जाएगा, वही हम लोगों ने स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया था, ठीक है। ये लेवल नोट कर लेना, फिर कहाँ तक के आपको लेवल्स दिख रहे हैं नीचे के, और मार्क करते हैं 47,400 के आसपास, और फिर आपको ये लेवल को भी टच करते हुए दिख सकता है मार्केट कौन सा है, वो 46,947 तक के, फिर वो बड़े लेवल्स आ रहे हैं, ठीक है। ओके, चलते हैं निफ्टी पे। निफ्टी के, अच्छा, हम लोगों ने आज यही चीज़ सेम चीज़ में आपको लाइव मार्केट में देखा रहा था, पूरे वीक में हम लोग क्या देखने को मिला इस पूरे। सबसे पहले फिर निफ्टी की एक्सपायरी हुई, फिर निफ्टी की एक्सपायरी कितनी हुई इस लेवल पे, ठीक है। उसके बाद कौन सी एक्सपायरी हुई थी आपकी, बैंक निफ्टी की, कितने पे हुई 47,700 पे। सेम सेम सेटअप आपका इसमें हुआ, फिर निफ्टी का हुआ, निफ्टी का कितना हुआ 21,650 पे। फिर आज अगर आप देखोगे, हम इसमें आपका 20 सेंसेक्स फर्स्ट एग्जैक्टली 72,000 की कॉल पुट्स दोनों जीरो हो गई। हम लोगों ने इसका और इसका दोनों का स्ट्रेडल बेचा हुआ था, और ये दोनों पे आज फर्स्ट टाइम मैंने इसको करा, तो दोनों ही चीज़ आपकी जीरो जीरो हो गई थी लास्ट में दिखा रहा था, ठीक है, फॉर 72,000 की कॉल और पुट दोनों, ठीक है। तो कहने का मतलब है ये पूरा विंग आपका ऑप्शन सेलर का रहा एंड ऑफ द डे में, ऑप्शन बायर को उतना खास मिला नहीं, हाँ, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, सब क्या टाइम आता है। अब 11-12 वीक साल ना, फिर से ऑप्शन बाइंग का टाइम आ जाएगा। एक चीज़ और है, इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है, मैंने लास्ट 1 मंथ में पूरा लाइव ट्रेडिंग करी थी, ठीक है। उस लाइव ट्रेडिंग की सारी मैंने वीडियोस को रिकॉर्ड कर रखा है, उसमें आपकी ऑप्शन बाइंग है, आरवी सेटअप अगर आपको समझना है क्या चीज़ है क्या नहीं है, वो सारी चीज़ मैं यूट्यूब के आस्क ऋषि वाली मेंबरशिप में अपलोड कर दूंगा, 1 से 1.5 घंटे के। यही सारी चीज़ें जो है ना, जैसे अभी ये लाइव है, जैसे आज क्या था, आज हम लोगों ने निफ्टी को यहाँ पे बाय नहीं करना था, इस जगह पे क्यों नहीं करना था वो आज एक्सप्लेन करा था। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ना जो लाइव ट्रेडिंग से आपको सीखने को मिलेंगे, वो सारा आपको सेट ऑफ सीरीज मिल जाएगी, उसमें आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है। एनीवेज, अभी आगे बढ़ते हैं और निफ्टी पे आते हैं, स्टार्ट करते हैं। अभी के लिए मार्केट के लिए 1 डे पे आप देखोगे निफ्टी को, तो रेजिस्टेंस को अच्छे से कर रहा है 21,800 के आसपास, ठीक है। ये मैं मार्क कर देता हूँ, यहाँ पे ये आ रहा है आपका 21,800। फ्रेश बुलिश मोमेंटम आपका तभी आएगा जो 21,800 क्रॉस करेगा, नहीं तो फिर अगर ये वापस से आज का लो टूटता है तो ये आपका क्या बन जाएगा, एक एम पैटर्न का फॉर्मेशन होगा, फिर अगेन आपके टारगेट्स यहाँ आ क्या है, कहाँ तक है मैं बात करता हूँ छोटे टाइम फ्रेम पे एग्जैक्टली मार्क करने के लिए। पहला आपका आ रहा है समवेयर अराउंड लेवल आपका इस जगह पे, यानी कि 21,600 तक का आपका दिख रहा है नीचे। सेकंड आपका कौन सा लेवल है इम्पोर्टेंट, जहाँ से आया था 550 और 500 लेवल, तो आपको पता ही है इम्पोर्टेंट लेवल है सपोर्ट के, ठीक है। तो ये आ गया, अब इसमें फिर से वही सेम प्रोसेस को रिपीट करते हैं, क्या 3 केसेस होने वाले, गैप अप, गैप डाउन और साइडवेज, ठीक है। अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो क्या होगा, तो थोड़ा सा वही सेम पैटर्न आ जाएगा कि यहाँ पे आपके शॉर्ट सेलर थोड़े बहुत बैठे हैं, यहाँ पे आपके बायर बैठे हैं, मार्केट में एक रेजिस्टेंस पॉइंट ऑलरेडी कॉल राइटर्स को मिला हुआ है, ठीक है। तो वो आपका एक वॉलेटाइल कर देगा, अगर अपने को फ्रेश तेजी क्लोजिंग मिलेगी जब 21,850 के ऊपर, और बैंक निफ्टी में वही चीज़ है आपका 48,500 के ऊपर, इसके ऊपर जब फ्रेश क्लोजिंग मिलेगी ना, तब वो एक एक्सपेंशन मोड आएगा, तब आपको ऑप्शन बायर को और बड़े बड़े ट्रेंड्स देखने को मिलेंगे, वेरस नीचे के लेवल हम लोगों ने नोट करी नहीं है, ठीक है। गैप अप खुल गया, केस डिस्कस कर लिया, साइडवेज खुल गया, तो क्या यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये वाला मूव एक बार को इग्नोर करना, क्योंकि शॉर्ट्स जितने भी शॉर्ट सेलर्स हैं ना, वो एकदम से शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हो गई थी, तो यहाँ पे सारे बायर्स बैठे हैं, और ये बायर्स जैसे ही आपका ट्रैप होना चालू होंगे तो नीचे का फिर आपको डाउन साइड का मूव मिलेगा, कौन सा रहा है 21,650, यानी 650 अगर आपका टूटता है तो 600 और 550 तक के भी अपने को लेवल्स का दिख सकता है। उसके बाद अगर मैं करता हूँ गैप डाउन खुल गई कहाँ पे, मार्केट अगर 600 के नीचे खुला तो थोड़ा सा पैनिक सिनेरियो हो जाएगा, फिर उस केस में वहाँ पे थोड़ा ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी करेंगे, वही 5 मिनट की कैंडल का अपर लोअर रेंज मार्क करके, जैसा आपको वीडियो में दिख ही रहा होगा, लगा देगा डेटा आपको ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी, ठीक है। तो वो आपका आ गया, अगर मार्केट इसके रेंज में घुस गया तो आप देखना यहाँ पे कॉल राइटर्स एकदम से आ जाएंगे, और आप आरवी स्कोर भी देखोगे एकदम से नेगेटिव शुरू होना शुरू हो जाएगा, तो ये सारा एरिया का रेजिस्टेंस आएगा, वेट करेंगे यहाँ पे कोई नेगेटिव एक्शन मिले तो सेल की तरफ ढूंढेंगे, नहीं तो ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी को यूज़ करेंगे। कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है निफ्टी में, 21,500, देन 600, 650 एंड आपका ऊपर 25,800, ठीक है। आते हैं ऑप्शन चेन पे, ऑप्शन चेन की अगर मैं बात करता हूँ तो ओवरऑल देखोगे तो आपको क्या दिख रहा है, कॉल भी प्रीमियम भी घटे हैं, पुट के भी घटे हैं, मतलब ऑप्शन सेलर को इवेंचुअली मिला है, लेकिन ड्यूरिंग द टाइम मार्केट ने काफ़ी स्विंग्स दिए, ठीक है।
सबसे पहले क्या देखते हैं हम लोग, कहाँ पे क्वांटम बेटा है। 21800 हम लोगों ने चार्ट पे बात करी थी, यहाँ के कॉलेटर्स को अभी भी समस्या नहीं है 21800, तो यानी कि फ्रेश तेजी अपने को क्लियर हो गई। 21700 पे पुट सबसे ज्यादा आपकी बैठी है, और मार्केट कहाँ क्लोज हुई है, 710 पे आपके हुई है। तो यही है, 680 के नीचे अगर आपका जाना शुरू करेगा तो ये वाले परेशान में आ जाएंगे, और फिर थोड़ा सा नीचे का मूव दिखेगा। ऊपर कहां पे करना है, या तो आप 21500 के आसपास कोई पॉजिटिव एक्शन मिले तब बाइंग की साइड जाएंगे, या इसको क्रॉस होने देना 800 के लेवल को तब बाइंग की साइड जाएंगे। ठीक है, 775 के आसपास लेवल है जो रेजिस्टेंस है, यहाँ के आसपास एक नेगेटिव एक्शन, नहीं तो 680 के नीचे अपने लोगों को दिखी गया है। ओके, बैंक निफ्टी पे आते हैं। वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है और अभी तक देख रहे हो तो फिर लाइक कर दो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहां अगर आप देखोगे तो भागे हैं बैंक निफ्टी से पुट राइटर्स। क्यों भागे, इसका मतलब क्या है, डेटा में नेगेटिविटी है। ठीक है, ऊपर कॉल राइटर्स अभी आराम से बैठे हुए हैं, लास्ट मूव आया, लेकिन जो पहले से सुबह से कॉल राइटिंग कर, अभी हमारा ही देख लो, 720 पे अगर मैंने कोई कॉल शॉर्ट करी है, ठीक है, 724 पे हम लोगों ने निफ्टी को शॉर्ट किया, वहां पे मैंने अगर कोई कॉल शॉर्ट करी है तो मेरे लिए तो कोई दिक्कत नहीं ना, अभी आराम से बैठूंगा। बैंक निफ्टी के अगर मैंने 300 के लेवल के आसपास शॉर्ट कराया कॉल, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं ना, मैं आराम से बैठूंगा, उस केस में कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है, राइट। तो वो चीज़ है, तो कॉल राइटर्स अभी परेशानी में नहीं आए, ऐसा डेटा आपका बता रहा है, वेयर एज पुट राइटर्स भगाए हैं, जिसका मतलब आपका डेटा थोड़ा सा बेरिश की साइड में ही कर रहा है, यानी ओपनिंग आपकी नीचे की तरफ ही दिख रही है एज पर डेटा। ओपनिंग के बाद क्या करना है अपने, वो अपने लोगों ने लेवल्स को नोट कर लिया, वो चार चीज़ ध्यान में रखना, ठीक है। अगर कोई भी आपको एडवाइजरी सर्विसेज टेलीग्राम वाला चाहिए, या फिर आपको लाइव मार्केट मैंने, या फिर कोई भी ए टू जेड कोर्स वगैरह आपको देखना है, तो आप व्हाट्सएप कर देना नंबर पर, आपको मिल जाएगा। अभी के लिए इतना ही, सी यू नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय।